सबको नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें वो देखेंगे। पिछला वीडियो में हम लोगों ने एक बीएफएस लिए थे, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिए थे, जो हम लीस्ट कॉस्ट मेथड से आरआई हुए थे। उसको लेकर के हम लोगों ने चेक जब करा था, वो ऑप्टिमल नहीं था बोल करके आया। ऐसा सिचुएशन में ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे किया जाता है वो इस वीडियो में हम समझेंगे। वो सेम प्रॉब्लम है जिसमें हमको नेगेटिव डेटा आईजे एक जगह पे आया था, उसके बाद क्या करना, ये स्टेप्स है। मतलब यहाँ पे तो एक ही नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा भी नेगेटिव वैल्यू आ सकता है। ऐसा होने से जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है वो वाला सेल को, उस सेल को ले करके वहां पे एक क्वांटिटी अलॉट करने का, थीटा बोल करके एक क्वांटिटी। वो एक बार वो थीटा असाइन अलोकेट होने के बाद में तो ये जो टोटल है वो वापस चेंज होता है बोल करके, जहां पे भी आपने थीटा ऐड किया उस हिसाब से दूसरे सेलों में सब्ट्रैक्ट करना होगा, ताकि वो जो टोटल है वो सेम ही रहे। वैसा रो कॉलम उनका टोटल बदलना नहीं चाहिए, वही सेम टोटली रहना मांगता है, उस हिसाब से हमें रीअरेंज करना होगा या रीअलोकेट या मॉडिफिकेशन ऑफ अलोकेशंस करना पड़ेगा। एक बार वो थीटा अलोकेट वगैरह करने के बाद में, सब्ट्रैक्ट माइनस वगैरह करने के बाद में, उस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है वो हमको आइडेंटिफाई करना। करने के बाद में वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर करके एक नई मैट्रिक्स बनाना है। वो एक बार नई मैट्रिक्स बनाने के बाद में वापस यूज और वीज, मतलब यूआईज एंड वीजेस फाइंड आउट करना पड़ेगा, वापस डेल्टा आईजे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी वो डेल्टा आईजे सारा पॉजिटिव होने से हम ऑप्टिमल कंक्लूड कर सकते हैं, नहीं होने से वापस इस स्टेप्स को रिपीट करना पड़ेगा। मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव करने वक्त ये स्टेप्स रिपीट होते रहेगा। अब हम प्रोसीजर कैसा चलेंगे, हमें कैसा करेंगे वो आगे देखेंगे। अब सेम ही टेबल है यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हमने पीछे देखा था थर्ड रो सेकंड कॉलम में ये नेगेटिव डेल्टा आईजे आया हुआ था, वहां पे हम थीटा पहले अलोकेट करेंगे। तो अलोकेट हम थीटा ऐड करने से यहाँ पे प्लस थीटा बोलेंगे। तो अभी ये जो 350 का जो टोटल है ये बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा ऐड हुआ, वो बदलना नहीं चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे या यहाँ पे हमें थीटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई भी दूसरा अलोकेटेड सेल नहीं है उस रो पे, तो हम ये 50 वाले को ही चुनेंगे। यहाँ पे हम थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये टोटल बदलता है, उसके लिए वापस यहाँ पे या यहाँ पे थीटा को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड करते तो वापस यहाँ पे कोई अलोकेशंस नहीं है होने से हम ये 100 लेंगे, यहाँ पे हम थीटा को ऐड करेंगे। यहाँ पे जब ऐड करने के बाद में इधर भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि अब जहां पे भी थीटा ऐड हुआ वहां पे एक सब्ट्रैक्शन रहेगा, उस रो में उस कॉलम में सब्ट्रैक्शन रहेगा। जहां पे माइनस थीटा है वहां प्लस थीटा आएगा, जहां पे प्लस थीटा है वहां माइनस थीटा आएगा, ताकि वो जो रो का टोटल बदलेगा नहीं, कॉलम का टोटल भी बदलेगा नहीं, क्योंकि ये प्लस थीटा और माइनस थीटा सेट ऑफ होता है। अब एक बार ये थीटा अलोकेट करने के बाद में अभी मैक्सिमम थीटा वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू व्हाट थीटा कैन टेक वो क्या है, वो आइडेंटिफाई करना आसान है। जहां पे भी थीटा सब्ट्रैक्ट होता है वो नंबर्स को आइडेंटिफाई करना, यहां 50 में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 300 में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो जिस नंबर से भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है उनमें जो मिनिमम नंबर है वो चुनने का। मतलब 50 यहाँ पे है, यहाँ पे 300 है, उनमें मिनिमम 50 है, तो मतलब मैक्सिमम थीटा वैल्यू जो आप ले सकता है वो 50 है। जब 50 जब आइडेंटिफाई हो गया थीटा का वैल्यू, हम नया मैट्रिक्स बनाएंगे अगली पेज में। अब देखिए यहाँ पे 300 का 300 ही है, कोई थीटा वीटा नहीं है, तो 300 का 300 ही लिखेंगे। अगला रो में 250 ही है,
यहाँ पे 50 थीटा माइनस हो रहा है, मतलब 50 में 50 माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये 100 में थीटा ऐड हो रहा है, मतलब 50 ऐड हो रहा है, तो 100 भी हो गया 150। उसके बाद यहाँ पे थर्ड रो में थीटा है, तो यहाँ 50 ऐड होएगा, और यहाँ पे 300 माइनस 50 है, तो ये 250 हो जाएगा। यहाँ पे 200 का 200 ही रहेगा, वापस 6 एलोकेशन ही है, 1 2 3 4 5 6, मतलब एलोकेशंस बदल गया। यहाँ पे 300 था, अभी भी 300 ही है, 250 ही है, लेकिन यहाँ पे 50 था, वहां पे 0 हो गया। अभी यहाँ पे 100 था, अब वो 150 हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहां पे 50 हो गया। यहाँ पे 300 था, अब वो 250 हो गया। 200 का 200 ही है, फिर भी कुछ कुछ एलोकेशंस बदला हुआ है। अब बदला हुआ एलोकेशन के हिसाब से हमें नया यूआईस और वीजेएस फाइंड आउट करना है। पहला एलोकेटेड सेल ये है, 0 प्लस कुछ नंबर 100 मिलता है, सॉरी 1 मिलता है, वो नंबर फिर हो गया 1। और 1 है यहाँ पे, यहाँ पे एक एलोकेशन है, 1 प्लस समथिंग, यहाँ पे 3 आना चाहिए, इसका मतलब वो समथिंग जो है 2 है। तो फर्दर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक एलोकेशन है, 2 प्लस समथिंग, हमको 3 मिलना चाहिए, तो वो समथिंग जो है 1 हो गया। इधर में भी एक एलोकेशन है, 1 प्लस समथिंग, हमको 5 मिलना है, तो वो समथिंग जो है यहाँ पे 4 हो गया। तो इधर में एक एलोकेशन है, 4 प्लस समथिंग, हमको 2 मिलना चाहिए, वो समथिंग जो है नेगेटिव 2 हो गया। इधर में एक एलोकेशन है, 2 प्लस समथिंग, हमको 2 मिलना चाहिए, तो समथिंग जो है 0 हो गया। अब हमने सारा यूआईस और सारा वीजेएस फाइंड आउट कर लिया। अब अनअलोकेटेड सेल्स में डेल्टा आईजे हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पे आने के बाद में UI और VJ को ऐड करना, 0 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 2 तो माइनस 2 ही है, 3 माइनस ऑफ माइनस 2, मतलब हो गया 3 प्लस 2, तो यहां पे हो गया 5। इधर में आने के बाद में 0 प्लस 1 1 हो गया, 7 माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 हो गया 6। इधर में आने के बाद में 0 प्लस 0 0 ही है, 4 माइनस 0 4 हो गया। इधर में आने के बाद में 4 प्लस 1 5 है, 6 माइनस 5 हो गया 1। इधर में आने के बाद में 4 प्लस 0 4 ही है, 9 माइनस 4 हो गया 5। इधर में आने के बाद में 2 माइनस 2 वो तो हो गया 0, 8 माइनस 0 हो गया 8। अब सारा डेल्टा आईजेस नोटिस करेंगे तो सभी पॉजिटिव है, 5, 6, 4, 1, 5, 8, मतलब इवन 0 भी नहीं है डेल्टा के अंदर में, मतलब डेल्टा आईजे के कोई भी पोजीशन में। इसका मतलब ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है और यूनिक, दिस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड यूनिक। यूनिक बोले तो इसी एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, मतलब एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन पॉसिबल है, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारा डेल्टा आईजे पॉजिटिव मिला हमको। अब हम प्रेजेंट कैसे करें ऑप्टिमल सॉल्यूशन को, हर एक एलोकेशन का लोकेशन देखेंगे, ये है पहला रो दूसरा कॉलम, उसको एलोकेशन को हम कैपिटल एक्स में डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कितना यूनिट है, 300 यूनिट हो गया, कॉस्ट है 1, तो टोटल कॉस्ट हो गया फिर 300 इंटू 1 300 ही। अगला एलोकेशन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, 250 यूनिट, उसका कॉस्ट है 2, सो 250 इंटू 2 हो गया 500। और अगला एलोकेशन है सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है, नंबर ऑफ यूनिट्स है 150 और कॉस्ट है 5, 150 इंटू 5 हो गया 750। अगला एलोकेशन थर्ड रो सेकेंड कॉलम में है, 50 यूनिट, उसका कॉस्ट है 3,
50 इंटू 3 हो गया 150। अगला अलोकेशन है थर्ड रो थर्ड कॉलम 250 यूनिट है अलोकेशन, और उसका कास्ट है 3, 250 इंटू 3 हो गया 750। अगला अलोकेशन है थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो उसमें अलोकेशन है 200 यूनिट, उसका कास्ट है 2, तो इसका 200 इंटू 2 हो गया 400। अब इसका टोटल गिनती करेंगे हम, तो 800, 800 प्लस 900 1700, 1700 प्लस 400 2100, 2100 प्लस 750 या 2850 हो गया। ये करेंसी यूनिट्स, तो ये इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। तो हम लोगों ने स्टेप्स क्या लिया गया, पहला जो भी मोस्ट नेगेटिव डेल्टा आईजे का सेल है वहां पे हमने एक क्वांटिटी एलोकेट किया थीटा बोल करके, फिर एक जगह पे हमने थीटा कर करके ऐड किया तो उसका टोटल अफेक्ट नहीं होना चाहिए रो टोटल और कॉलम टोटल, उस हिसाब से हमने रीअरेंज किया, मतलब माइनस थीटा किया, जहां पे माइनस थीटा होता है उसको सेट ऑफ करने का प्लस थीटा किया, जहां पे फिर प्लस थीटा होता है वहां पे माइनस थीटा करने का, रीअरेंज वगैरह करने के बाद में थीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई कर करके एक नई मैट्रिक्स बनवाया। नई मैट्रिक्स बनवाने के बाद में थीटा का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद में वापस यूआई और वीजेएस फाइंड आउट किया, उसके बाद डेल्टा आईजेएस फाइंड आउट किया। अभी वो सारा डेल्टा आईजेएस पॉजिटिव हो गया हमको, तो ये हमने कंक्लूड किया यूनिक और ऑप्टिमल बोल करके, ऑप्टिमल एंड यूनिक बोल करके। उसके बाद में हमने सॉल्यूशन को प्रेजेंट किया। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करिएगा और अपना फ्रेंड्स को शेयर करिए और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।